अपन संस्कृति अपन पहचान बल पहाड़ी चुम्मी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो है नमस्कार प्रणाम पहला जय देव की हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो चलिए आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज अभी जो है 12 बज चुके हैं और आज जो है धूप नहीं आई है बिल्कुल भी, बादल ही बादल है। आज हमें ऊपर जाना था बट पता नहीं देखते क्या करते हैं घर वाले क्योंकि मौसम जो है बहुत ठंडा हो रहा है। तो अम्मा को भी आना था तो देखते हैं अम्मा क्या बोलती है, अभी तो कोई फिक्स नहीं हुआ है। ठंड के मारे सब आग के पास ही बैठे हुए हैं। मैं आ गई आगे तक घूमने के लिए और ये देखो क्या मस्त नदी। अभी चौमास के टाइम पे नदी बहुत ज़्यादा आती है, वैसे तो अभी कम ही पानी है पर फिर भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नेचर जो है बहुत ही मस्त लगता है। तो मैं घूमने को आ गई आगे तक, खाना वाना खा लिया, नाश्ता वास्ता कर लिया। क्या मस्त पानी आ रहा है भयंकर, बिल्कुल नेचुरल वाटर आप देख सकते हैं। इतना ठंडा है ना ये पानी, फ्रिज का पानी फेले इस पानी के सामने। लोग शहरों में जो है पानी के लिए तरस जाते हैं और यहाँ देखो पानी, इतना पानी बाप रे। दिल्ली में तो होता है कटाका टहरू पानी ऊपर, अब मलका जामी, यहाँ तो पानी जो है बारो मास हुआ। देखी जो मुखड़ी तेरी तो मुल मुल है सब छू, यहाँ जाती है यहाँ अच्छा लग रहा है। रास्ता देखो ना कितना अच्छा बना रखा है, यहाँ लोगों ने बना रखा है, पुराने लोगों ने इतना अच्छा रास्ता पत्थरों से, देखो कितना मस्त लग रहा है और बिल्कुल क्लीन। घर को जाती हैं, घर वाले ढूंढ रहे होंगे कहीं कहाँ चले गए करके, धूप ही नहीं आई अब तक। ऊपर जो है स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में शायद। मैं काट दियो काटे जो दी पता मैं काटा ये पता मैं है मैं दियो जान ना मैं नहीं लौटो ही मिले आ जाने। अम्मा जो है किसी को काम नहीं करने देती, अभी 92 इयर्स की हैं फिर भी मतलब वो सोचते हैं कि अभी मैं ही काम करूं करके जैसा, तो फिर इसलिए करने देते हैं सभी लोग। ठीक ही है कोई बात नहीं बट हेलो हाय हाय अच्छा ठीक ठीक डर मत। तो इसको जो है ठंड लग रही है, भीग गई तो इसलिए म्याओं म्याओं कर रही है। धूप भी नहीं आई आज और ये गीली हो गई है थोड़ा तो इसलिए म्याओं म्याओं कर रही है। कितनी क्यूट है, हाय बिल्ली म्याओ हाय म्याओ म्याओ। सुंदरी है इसका नाम, इसका नाम मैंने कॉपी कर दिया, सुंदरी रख दिया। हाय आयुष, देखो आयुष आ गया। आयुष को भी अब मेरी जैसी आदत हो गई मास्क की क्योंकि यहाँ पे सबके होंठ स्किन सब फट रही है ना ठंड के मारे, है ना। ओह अब कुछ नहीं बोल रहा, कुछ बोल रहा था अभी तो क्या, कुछ बोल रहा था अभी नहीं, कुछ तो बोल रहा था। बोलना बोलना कैमरा खोलते ही चुप हो जाता है। केले खा रहा है ये देख, किसके है ये, आप लोगों के हमारी है। हाँ। अच्छा मेरे को तो नहीं पता था, पता नहीं किसके है। ऊपर जाएंगे आज मंदिर है? अभी उसका मैसेज आया जीवन का, 2 बजे तक चलेंगे करके बोल रहे थे, मतलब दिन घर आए थे हमारे। हाँ मैं भी आऊंगा। ठीक मैं भी आऊंगा। ठीक है ठीक है, मोबाइल लेकर आऊंगा। अच्छा ब्लॉग बनाएंगे, कल का ब्लॉग तो तूने पूरा ही नहीं करा होगा। पूरा ही नहीं किया, पापा ने बुला लिया ना बीच में। ठीक अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऊपर मंदिर जा रहे हैं, कुटेर कुटेर नाम है वहाँ का। आज ये भालू भालू हम तो भाग जाएंगे, तू अपना देख ले भाई देख। हम खा रहे हैं ओ यस उजा LG गेम यार केबल कनन में। आयुष आया अपना पूरा सिस्टम लेके आया है, लाया नहीं लाया माइक वाइक सब लेके आ रखा है। कल तो इसने आधा ही ब्लॉग बनाया, आधा भी नहीं 3 सेकंड का है आयुष, वो भी डाला नहीं इसने यार, अब तो बना भी रहो। ओहो आयुष, आयुष ने भी स्टार्ट भी नहीं करा ब्लॉग बनाना, इतने दिन से सिखा रही हूँ तेरे को, 3 दिन से मैं बनाती हूँ।
हम वहाँ जा रहे हैं ना, यहाँ जा रहे हैं। आयुष ने अब तक व्लॉग स्टार्ट नहीं करा, मैं देख रही हूँ कब करेगा। पसीना आ गया इतने से चलने में। ये देखो यहाँ का व्यू कितना मस्त है। इस पहाड़ के पीछे क्या है? चट्टान के पीछे पानी। इसके पीछे क्या है? कपको, कपकोट है ना। ये रोड हम जा रहे हैं आयुष के साथ अभी। और मानो दीदी अपना व्लॉग बना रही है। हाँ आयुष भी अपना व्लॉग बना रहा है। हाँ? उसका फर्स्ट व्लॉग है आज। 3 दिन से सिखा रही हूँ, आज फर्स्ट व्लॉग है। उसमें भी बोल रहे हैं स्टार्ट कर दो आप। आराम से आ। फिर ये घर क्यों छोड़ा होगा ऐसे? हैं अच्छा, अकेला घर था ये यहाँ पे इसलिए। चलो सारे चुप हो जाओ, आयुष व्लॉग बना रहे हैं। हाँ पहुंच गए घर के अंदर। ये होला कुछ है नहीं है। तो आयुष तू यहाँ पे रह सकता है? है यहाँ पे एक रात रह सकता है इस घर में? खाने का सामान दे देंगे तेरे को यहाँ पे। हम आप रह सकते हो? हाँ मैं तो रह सकती हूँ। मैं भी रह सकती हूँ। चल ठीक है फिर, कल रहना। हाँ तेरे को आज, आज शाम को आज रहना। चल ठीक, मैं आज नहीं, तू आज रह फिर कल मैं रहूंगी। मैं सामान पहुंचा दूंगी यहाँ खाने वाने का। जो पहले चैलेंज देता वही करते हैं। नहीं तो चैलेंज मैंने दिया ना पहले, तो तू करेगा। यहाँ पे ये घर अकेला था तो इसलिए जो है यहाँ के लोग जो है शिफ्ट होके गांव में चले गए, जहाँ पे बहुत सारे घर थे, तो इसलिए ये घर जो है मतलब बंजर हो चुके हैं। दगड़िया अब हम जा रहे हैं यहाँ से फोटो शूट करके ऊपर को जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये आयुष ने क्या कर रखा है रास्ते में? है आयुष? ये देखो दगड़िया क्या करा आयुष ने। कहाँ है? दिख ही नहीं रहा यार। तो आप इन दोनों की दोस्ती देख सकते हैं। दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों हंगजू। भगवान का सही पूजा पाठ बोल रहा था। हाँ अब सुकून मिला? हाँ मिल गया। अच्छा। बड़ी मुश्किल से। तो दगड़ियों ये है यहाँ का मंदिर नौलिंग, और ये भी नौलिंग देवता। हाँ। और ये वीडियो बना रहे हैं। अपना फोन दिखा दो एक बार इनको भी। पानी दीदी घंटी बजा ना, दिखा दो ये फोन। एप्पल का फोन है। कवर दिखा दो। ये साड़ी पहनी थी नीचे इसने, ये देख लियो। ये देख। हाँ चल ऊपर भी है। श्री इष्ट देव नौलिंग भजन देवाय नमः। नौलिंग देवता और भजन देवता का मंदिर है ये। दो थान। और ये अंदर क्या है? यहाँ पूजा कब होती होगी? फिक्स टाइम होता होगा ना कुछ? चलते हैं। ये खाते भालू खाता है ये फ्रूट, और गिलहरी भी खाती है। आई एस मूवी देखी होगी किसी ने तो, वो इसी के पीछे पड़ा रहता है शायद, वही है। खाली वीडियो बन रही हूँ। हम पहुंच गए हैं टॉप पे। यहाँ से पूरा दिखता है शायद। यहाँ केले बहुत हैं, मतलब ठीक ठाक है, नापड़ से तो ज्यादा ही है। हैं पकते नहीं है ये? अच्छा पेड़ ही पेड़ है ज्यादातर केलों के, पर फिर भी दिख ही रहे हैं केले। पर ये अब आड़ू के फूल लग रहे हैं, आड़ू उगेंगे अब गर्मियों तक। आयुष ने भी फिर से मेरे को ब्लॉगिंग करते हुए देखते हुए फिर इसको याद आया कि अरे मैं भी तो ब्लॉगर हूँ।
खाली ब्लॉगर है तू, खाली जब मैं कर रही हूँ तब तेरे को याद आ रही है ब्लॉगिंग। वो देखो उसकी ब्लॉगिंग अभी चल ही रही है। वो देखो गाइस उसकी ब्लॉगिंग चल रही है। अब उनका इंटरव्यू ले जा। ये मामा की हॉबी है, शौक है बनाना, मतलब ना ये बेड बनाया मामा ने इतना बढ़िया, सब कुछ मामा, मतलब अंदर का सारा सामान मामा ही बनाते हैं, खिड़की दरवाजे सब बिल्कुल परफेक्ट। देखो ये देखो पूरे दरवाजे मामा ने बना रखे हैं, ये सारा परफेक्ट। वैसे मामा क्या है पोस्ट उसमें है, बाकी उसके बाद वहाँ से काम करके मामा ये सब भी काम करते हैं, हॉबी है। फिर उसके बाद बकरियों को, बकरियों भी देखते हैं, ऊपर जाते हैं, इतना सारा काम करते हैं। हाँ हम जा रहे हैं अम्मा के साथ नीचे दूध लेने जा रहे हैं हम। नीचे क्या जो मौसी है उनकी ननंद हुई ना, हाँ उनकी ननंद हुई, सारे रिश्तेदार नापड़ भैंसकोट में ही है सब। भैंसकोट की आधी लड़कियाँ नापड़ में हाँ नापड़ में है, तो ये समझ लो कि आधा भैंसकोट वहीं बस गया है। आधा भैंसकोट बन गया यहाँ। हाँ आधा यहाँ आधा वहाँ। वे मास्क आज लगा रखा। हाँ बढ़िया। हाँ बाय। दूध लेके आ गई मैं अम्मा के साथ, अब जो है देखते हैं क्या करते हैं। अम्मा की बन रही है अभी सब्जी, हाग। हाग को नहीं भी आई है। हाग हुई है पहाड़ में, पहाड़ी में सब्जी को हाग बोलते हैं। हाग आ लिया। हाँ हाग आ लिया। क्या हाग आल रखो? का सब्जी डाला, इसमें भांग डाला। भांग के दाने पीस के भांग, वो आपको पता होगा भांग दो तरह के होते हैं। भांग नशे वाला भांग नहीं, ये वाले भांग जो होता है इससे जो बुढ़ापे गर्मी मिलती है बॉडी में, और हाँ हाँ बुजुर्गों के लिए अच्छा हुआ भांग खाने के लिए, क्योंकि हड्डियाँ वगैरह जो है मजबूत रहती हैं भांग से, और हार्ट सर्दी जुकाम नहीं लगता है। भांग के दाने होते हैं जो उससे नशा नहीं होता, वो नशे वाला नहीं होता, नशे वाले जो होता है वो पत्ते होते हैं। हाँ नशे वाले पत्ते होते हैं, ये पहाड़ों में फेमस हुआ, भांग की चटनी वगैरह बनती है, ये बहुत ही अच्छा होता है मतलब बॉडी के लिए, इससे बाल भी नहीं झड़ते भांग के दानों से, आपको पता है। और हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, दिल के जिसको दिल की बीमारी होती है ना उसके लिए भी अच्छा होता है भांग।